नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिष्टुर उपाध्याय। जहां एक तरफ नागरिकता कानून को लेकर देश के कई शहरों में अब भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है और रातों रात भारत छोड़कर अपने वतन की वापसी करने में लगे हुए हैं। नागरिकता कानून आने के बाद घुसपैठियों में अगर कहीं सबसे ज्यादा खलबली मची हुई है तो वो पश्चिम बंगाल और असम से लगी भारत बांग्लादेश सीमा के इलाके में है, जहां घुसपैठियों में खौफ साफ नजर आ रहा है। इन सब बातों के बीच घुसपैठियों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जो इस बात को इशारा कर रही है कि जल्द ही घुसपैठिए अपने आप ही देश छोड़ने वाले हैं। यानी कि बहुत दिन दूर नहीं है जब पूरे देश में एनआरसी आने से पहले ही घुसपैठिए भारत खाली कर देंगे। क्या है पूरा मामला, ध्यान से देखिए। दरअसल डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक बंगाल में वैध दस्तावेज लेकर आए 5,000 से ज्यादा बांग्लादेशी पिछले एक साल में गायब हो गए हैं। आईबी अधिकारी के मुताबिक बांग्लादेशी नागरिकों को पश्चिम बंगाल आने के बाद अपने पासपोर्ट नंबर समेत तमाम दस्तावेजों के साथ आईबी को रिपोर्ट करना होता है। अगर वे एक महीने से ज्यादा समय के लिए रुकते हैं तो उन्हें दोबारा से सूचना देनी होती है। लेकिन 5,000 बांग्लादेशी दूसरे वेरिफिकेशन के लिए आए ही नहीं। जब हमने एयरपोर्ट के इमिग्रेशन विंग और बॉर्डर ऑफिस से संपर्क किया तो उनके बांग्लादेश वापस लौटने का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। यानी कि इसे साफ है कि या तो ये लोग भारत छोड़कर चोरी छुपके अपने वतन की सीमा में दाखिल हो गए या फिर ये घुसपैठिए बनकर भारत के ही किसी हिस्से में जाकर छिपे हैं। तो बीएसएफ के इंस्पेक्टर जनरल याईबी खुरानिया ने बताया कि सुरक्षा बलों ने सीमा पार करने की कोशिश कर रहे 268 बांग्लादेशियों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि पिछले एक महीने में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के अपने वतन लौटने के मामले में तेजी आई है। तो वे हाल ही में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने भी बंगाल से जुड़ी पेट्रोपोल सीमा पर 60 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिरासत में लिए गए लोगों को बाद में बांग्लादेश के महेशपुर पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया। बंगाल बीएसएफ का मानना है कि पिछले एक महीने में अवैध बांग्लादेशियों का रिकॉर्ड स्तर पर अपने वतन में लौटने के पीछे की वजह एनआरसी है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के चीफ मेजर जनरल शफीकुल इस्लाम ने जनवरी के पहले सप्ताह में बयान दिया था कि भारत की सीमा पार कर बांग्लादेश में घुसने की कोशिश कर रहे 445 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। खैर, इससे साफ है कि जहां पहले से ही घुसपैठिए असम में एनआरसी की फाइनल लिस्ट आने के बाद से ही डरे हुए थे, तो वहीं अब नागरिकता कानून के खौफ से देश छोड़कर भाग रहे हैं। जिस तरह से घुसपैठियों के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।